अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस लेडीज फैशन इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये फैब्रिक जो है ये सवा दो मीटर का फैब्रिक है तो हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं और इसको उल्टा कर लेते हैं ये देखिए हम इस फैब्रिक को उल्टी साइड इस तरह से चौड़ाई में एक बार इसको फोल्ड कर लेना है देखिए इस तरह से हमें कॉर्नर्स को पकड़ते हुए इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है और फिर हम इसको लंबाई में फोल्ड कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इस कॉर्नर्स को उस कॉर्नर्स को मिला के हमें इसको फोल्ड कर लेना है ये देखिए हमारा फैब्रिक फोर फोल्ड हो गया है ये ऊपर साइड भी हमारा ओपन साइड है और नीचे जो साइड है वो फोल्डेड साइड है यहाँ पे हमारा कपड़ा तिरछा आ रहा है इसको हम सीधा करके कट कर देंगे अब हम यहाँ पर दो इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि इलास्टिक डालने के लिए हमें इसमें दो इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से हम इसके लेंथ का निशान लगाएंगे यहाँ पे मैं थर्टी एट एंड हाफ इंच पे निशान लगा रही हूँ हमें इसकी टोटल लेंथ फोर्टी इंच रखनी है इसमें मैं दो इंच की फ्रिल ऐड कर लूँगी और इस निशान को सीधा कर लूँगी इस प्लाज़ो के हिप का राउंड जो है वो फोर्टी एट इंच है उसको फोर से डिवाइड करेंगे तो ट्वेल्व ट्वेल्व इंच आ जाएगा प्लस फोर इंच ऐड करेंगे तो ये सिक्सटीन इंच आ जाएगा तो हम यहाँ पे सिक्सटीन इंच पे मार्क करेंगे और इसके क्रॉच लेंथ भी हम सिक्सटीन इंच पे ही मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें सिक्सटीन इंच ही देखना है और फिर हमें यहाँ से थ्री इंच का एक्स्ट्रा लेंगे आसन के लिए अब हम इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे अब हम यहाँ पे इसका शेप देंगे इस तरह से प्लाजो की बॉटम की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे फिफ्टीन एंड हाफ इंच लेंगे और इस निशान को उस निशान से मिला देंगे इस तरह से सीधी लाइन एक बार ड्रॉ कर लेनी है और फिर इसमें हम शेप दे देंगे ये देखिए इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे बिल्कुल इन निशानों के बराबर हमें इसको कट कर देना है ये देखिए हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है अब हम रॉन्ग साइड एक मार्क लगाएंगे ताकि हमें सिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो ये देखिए ये जो साइड है ये हमारी रॉन्ग साइड है बाहर जो साइड है वो इसके अंदर वाली जो साइड है वो हमारी सीधी साइड है अब हम इसको साइड में रखेंगे अब हम फ्रिल के लिए पट्टी को काटेंगे ये देखिए ये जो साइड से हमने फैब्रिक कट कर दिया था इसी से हम फ्रिल बनाएंगे अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे थ्री इंच का निशान लगाएंगे स्टिचिंग के बाद ये दो इंच की फ्रिल बन जाएगी अब हम इसको कट कर देंगे ये हमारे दो पट्टियाँ हैं दोनों साइड फ्रिल के लिए ये बराबर हो जाएगा अब हम प्लाज़ो के आसन को जोड़ेंगे ये देखिए हमें इस तरह से रखना है और इस वाले साइड को और इस वाले साइड को इस तरह से मिला के और हमें इस आसन को जोड़ देना है फ्रंट वाले आसन को जोड़ देना है देखिए सीधी साइड अंदर होनी चाहिए उल्टी साइड बाहर होनी चाहिए ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मिला तो स्टिचिंग कर देना है और बैक साइड के आसन को भी हमें इस तरह से स्टिच कर देना है ये देखिए इस तरह से हमें आसन को जोड़ते हुए स्टिच करना है देखिए अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह आसन को जोड़ लेना है ये देखिए अब इस पर भी हम स्टिच कर देंगे ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है दोनों बैक पार्ट्स को जोड़ते हुए हमें इसकी सिलाई कर देनी है अब हम फ्रिल के लिए पट्टी रेडी करेंगे ये हमारी किनारी साइड है इसलिए हम इस पट्टी को एक बार फोल्ड कर लेंगे और पूरे पट्टी में इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग कर देंगे पूरे पट्टी में स्टिच लगा दी है अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे इस तरह हम पूरी पट्टी में प्लेट्स डालते हुए इसको स्टिच करना है जितनी हमारी बॉटम की चौड़ाई है उतनी फ्रिल हमें रेडी करनी चाहिए बिल्कुल इसी तरह हमें दूसरे पट्टी को भी रेडी कर लेना है ये देखिए हमारा ये फ्रंट वाला आसन है और ये हमारा बैक वाला आसन है दोनों को हमने जोड़ लिया है अब हम इसको सीधा कर लेंगे देखिए इस तरह से अब मैं इसको इस तरह से ओपन कर लेती हूँ अब हम इस फ्रिल को इसके ऊपर उल्टा रखना है देखिए इस तरह से इसको उल्टा करके ऊपर रखना है इसके ऊपर और इस तरह से फोल्ड कर लेना है इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ये देखिए इस तरह से हमें इस फ्रिल के ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है इसी तरह हमें पूरे प्लाजो की बॉटम में इस फ्रिल को अटैच कर लेना है और दूसरे साइड भी हमें इसको इसी तरह स्टिच कर देना है अब हम इसके ऊपर इस तरह से लेस रख के स्टिच करेंगे ये देखिए इससे इसका लुक जो है वो और अच्छे से आ जाता है बिल्कुल इसी तरह दूसरे साइड भी हम लेस को स्टिच कर लेंगे बिल्कुल फ्रिल के जोड़ पर हमें लेस को रख के स्टिच करना है ये देखिए हमने दोनों साइड स्टिच कर लिया है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड अब हम इसको उल्टा कर देंगे अब हम यहाँ पे इस तरह मिलाते हुए स्टिच कर देना है ये देखिए इस तरह से वन इंच का मार्जिन देते हुए हमें इसको स्टिच करना है ये देखिए फ्रंट वाले आसन की जोड़ और बैक वाले आसन की जोड़ बिल्कुल बराबर आ गई है इस तरह हमें स्टिच करना है अब हम इलास्टिक के लिए इसको इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करके पूरे राउंड में हमें एक सिलाई लगा देनी है देखें हमने इसकी सिलाई लगा दी है अब हम इलास्टिक लेंगे इलास्टिक को मैंने डबल फोल्ड किया है यहाँ पे और इसकी जो लेंथ है फिफ्टीन एंड हाफ इंच है तो टोटल लेंथ है थर्टी वन इंच है इसको हमें इस तरह से रख के इस पर स्टिच कर देना है इसको अच्छे से स्टिच करना है चार से पांच सिलाइयाँ इस पर लगा देनी है हमें इलास्टिक के ऊपर ये देखिए इस तरह से यह हमारा आसन का फ्रंट साइड है और ये हमारा आसन का बैक साइड है इसको हम बैक साइड वाले को इस तरह से नीचे खिसा देंगे और इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे और इलास्टिक को यहाँ पे इस तरह से रखे इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे स्टिचिंग जो हमारी है वो बिल्कुल फैब्रिक पे आनी चाहिए इलास्टिक पे नहीं आनी चाहिए बिल्कुल इसी तरह हम इलास्टिक को स्टिच कर लेना है इस तरह घुमाते हुए हमें स्टिचिंग करनी है देखिए इस तरह से हम यहाँ पे खिसा लेंगे इस तरह एडजस्ट करते हुए हमें इलास्टिक को स्टिच करना है सिर्फ फ़ैब्रिक पे ही स्टिचिंग आनी चाहिए इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं करना है अभी ये देखिए इलास्टिक अंदर डल गई है कंप्लीटली अब हम इन प्लेट्स को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से अब हम इस वाले आसन की जोड़ को और उस वाले आसन की जोड़ को बिल्कुल इस तरह से पकड़ना है और इसको इस तरह से खींचना है इस तरह खींचने से ये जो प्लेट्स हैं ये पूरे राउंड में परफेक्ट आ जाएंगे अब हम इसके ऊपर इस तरह से स्टिच करना है दोनों हाथों से इलास्टिक को खींचते हुए इलास्टिक के ऊपर अब हम स्टिच करेंगे इस तरह पूरे राउंड में हमें इलास्टिक के ऊपर स्टिच लगा देनी है देखिए हमने इलास्टिक पे स्टिच लगा दी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी इलास्टिक लग चुकी है ये देखिए ये हमारी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग हाफिज़